कहते हैं ना कि जन्म हुआ है तो मरना भी होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी बदनसीब महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके मरने के 192 साल बाद भी उसके शरीर को कफन नसीब नहीं हुआ था। हम बात कर रहे हैं दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी कैंप सारा बोटमैन की। सारा बोटमैन का जन्म वर्ष 1789 में दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी कैंप में हुआ था। जब वह 2 साल की थी तभी उसकी माँ का निधन हो गया और जब वह 4 साल की हुई तो उसके पिता का निधन हो गया था। परिवार में आर्थिक कमजोरी आने पर सारा बोटमैन का बचपन बहुत कठिनाइयों में गुजरा। धीरे धीरे समय बीतता गया, सारा बोटमैन की उम्र भी बढ़ती गई, लेकिन उनकी उम्र के साथ साथ उनके शरीर का पिछला हिस्सा भी विकसित होता गया। उनका पीछे का हिस्सा इतना बड़ा हो गया मानो उनका शरीर भी उनके सामने बहुत छोटा लगने लगा था। उस वक्त साउथ अफ्रीका अंग्रेजों का गुलाम था, इसलिए एक अंग्रेज विलियम डनलफ को लगा कि यदि वह सारा बोटमैन को लंदन ले जाकर इसका शो आयोजित करे तो उसे काफी कमाई होगी, क्योंकि उस वक्त यूरोप में सन के शो बेहद प्रचलित में थे जिसमें अजीबोगरीब और बेडोल अंग वाले व्यक्तियों का प्रदर्शन किया जाता था और लोग टिकट लेकर ऐसे अजीबोगरीब शक्ल सूरत वाले व्यक्तियों को देखने आते थे। जिसके बाद सारा बोटमैन को लंदन ले जाया गया और लंदन में पिकार्डली सर्कस में सारा बोटमैन का पहला शो हुआ। देखते ही देखते सारा बोटमैन का शो काफी प्रसिद्ध हो गया क्योंकि उसका शरीर का पिछला हिस्सा लोगों को पसंद आने लगा था, इसलिए अमीर ग्राहक अपने घरों में उसका निजी प्रदर्शन शो भी आयोजित करने लगे थे और उनके मेहमानों को उसको छूने की अनुमति भी थी। अब आप समझ ही गए होंगे कि उनके साथ तब क्या क्या होता होगा। ब्रिटेन में रंगभेद को लेकर सारा बोटमैन के शारीरिक बेडोल का काफी मजाक उड़ाया जाता था और कई अखबारों में उनके बेडोल शरीर का कार्टून बनाकर भी मजाक उड़ाया गया था। वर्ष 1807 में ब्रिटिश साम्राज्य ने गुलामों के व्यापार को खत्म कर दिया। उसके बाद सारा बोटमैन के मालिक ने उसे फ्रांस के एक सर्कस वाले को बेच दिया था और वह फ्रांसीसी सर्कस वाला भी उसका उसी तरह से प्रदर्शन शो आयोजित करने लगा था। 29 दिसंबर 1815 पेरिस में एक स्टेज शो के दौरान मात्र 26 साल की अवस्था में सारा बोटमैन की मृत्यु हो गई। लेकिन अफसोस देखिए कि उसके मौत के बाद भी स्टेज शोज का कार्यक्रम रद्द नहीं हुआ बल्कि लगातार चलता रहा। दोस्तों, हम ये नहीं कहते कि कौन सा काम बड़ा है या फिर कौन सा काम छोटा, लेकिन जब बात भूखे पेट की हो तब सारे काम अच्छे लगने लगते हैं। लेकिन इसके आगे की जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सारा बोटमैन की मौत हुई तो फ्रांसीसी लोगों ने मरने के बाद भी सारा बोटमैन के शरीर के साथ जो किया वह अपने आप में मानवता का सबसे बड़ा मजाक था, जिसकी वजह से सारा बोटमैन को दुनिया की सबसे बदनसीब महिला कहा जाने लगा। मरने के बाद उसके बड़े बड़े पिछले हिस्सों को निकाल कर संरक्षण करके फॉर्मलिन में बंद करके एक म्यूजियम में रख दिया गया था। साथ ही साथ उसके जननांगों को भी जार में फॉर्मलिन भरकर प्रदर्शन हेतु रख दिया गया क्योंकि उसके जननांग सामान्य महिलाओं की अपेक्षा काफी बड़े थे। इतना ही नहीं, उसी म्यूजियम में सारा बोटमैन के शरीर का प्लास्टर कास्ट भी बनाकर प्रदर्शन हेतु रखा गया था। सोचिए, मरने के बाद एक महिला का इस तरह से अपमान पूरे विश्व में कहीं नहीं हुआ होगा। फिर जब 1994 में नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने तब उन्होंने फ्रांस सरकार के सामने सारा बोटमैन के अंगों के अवशेष और उनके प्लास्टर कास्ट के प्रत्यावर्तन का अनुरोध किया। नेल्सन मंडेला के लगातार प्रयासों के बाद अंत में फ्रांसीसी सरकार सहमत हो गई और मार्च 2002 में सारा बोटमैन के शरीर के सभी अवशेष और उसके प्लास्टर कास्ट को दक्षिण अफ्रीका को सौंप दिया गया और सारा बोटमैन के निधन के 192 साल के बाद उसके जन्म स्थान पूर्वी कैंप प्रांत में राजकीय सम्मान के साथ दफन कर दिया गया। आज के वक्त में सारा पर कई किताबें भी लिखी गई है और कई फिल्में भी बनी है, जिनमें साल 2010 में बनी ब्लैक वीनस और 1998 में बनी द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ सारा बोटमैन उनके जीवन पर ही आधारित है। आज सारा बोटमैन दक्षिण अफ्रीका ही नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका में एक आइकन बन चुकी है। आज के समय में दक्षिण अफ्रीका के एक जलपोत का नाम भी उनके नाम पर रखा गया है। साथ ही 8 दिसंबर 2018 को कैंपटाउन विश्वविद्यालय ने अपने मेमोरियल हॉल का नाम बदलकर सारा बोटमैन हॉल करने का निर्णय लिया था। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक करें और अपने सिस्टर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।